नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश मांझी। आप सबका स्वागत है गणेश टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज IRCTC का अकाउंट बना के दिखाने वाला हूं। आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्या मैं आप लोगों को आगे वीडियो में सिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कहीं दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से बॉम्बे या तो कहीं भी घूमने जाना चाहोगे, तो सबसे पहले आप लोगों को टिकट की ज़रूरत पड़ती है ट्रेन में जाने के लिए। तो टिकट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, टिकट अगर आप लोग किसी अदर शॉप से, मोबाइल शॉप से करवाना चाहते हो, तो उसमें दोस्तों आपको या तो मुझे महंगा पड़ता है टिकट करने में। तो दोस्तों, IRCTC की एक ऐप है, उसके थ्रू आप लोग करते हो अपने मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू, तो उसमें आपको बड़े ही आसान पड़ती है और अपने अकाउंट से इसमें पेमेंट देना होता है। तो मैं चाहूँगा कि नहीं, आप लोग खुद करना चाहो टिकट, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप बड़ी ही आसानी से टिकट बुक कर सकते हो। तो वीडियो को देर नहीं करूँगा और ले के चलूँगा अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो चलो, मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ पर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर हमें IRCTC का ऐप डाउनलोड कर लो। आपके पास अगर नहीं है तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे IRCTC का ऐप लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा ऑलरेडी। तो आप लोग सर्च कीजिए, मैंने डाउनलोड कर रखा हूँ। तो मैं सीधा खोलूँगा इस ऐप को इस प्रकार से। ऐप खोलने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे लॉगिन पे चलना है हमें, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से। लॉगिन में जाने के बाद दोस्तों, इसका होम पेज खुलता है। ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को नया अकाउंट बनाने के बारे में सिखा रहा हूँ। तो देर ना करते हुए चलेंगे हम यूज़र रजिस्टर्ड यूज़र पे। सॉरी, ये लाल लाल कलर का दिखा हुआ जो, यहाँ पे हम टच करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे टच करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर लिखना है, जो कि अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर हमें अपना Gmail ID लिखना है इस प्रकार से। अपना Gmail ID, जो भी अपना Gmail ID आपका है वो लिखना है। जो भी है आपका वो यहाँ पे लिखना है। तो मैं अपना Gmail ID यहाँ पे डाल देता हूँ इस प्रकार से। Gmail ID लिखने के बाद @gmail.com gmail.com com इस प्रकार से ये लिखने के बाद आप यहाँ पे यूज़र नेम लिखेंगे, जो कि यूज़र नेम देंगे इस प्रकार से। यूज़र नेम हम अपना बनाएंगे कोई सा भी, आप भी कोई सा बना लीजिए इस प्रकार से, जो अवेलेबल होना चाहिए। तो पासवर्ड हम लोग चुनेंगे दोस्तों इस प्रकार से, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पासवर्ड आपको यूनिक चुनना है, जो कि मैच करे, जैसे कि मैच हो। तो यूज़र नेम पासवर्ड हम लोग चुनेंगे इस प्रकार से। पासवर्ड इस प्रकार से चुनेंगे। जैसे कि मैंने पासवर्ड चुन लिया, तो पहला अक्षर पासवर्ड का ध्यान रखिएगा कि बड़ा अक्षर में हो, और बाकी छोटा में चलेगा। इस प्रकार से ले लेंगे। तो ये पासवर्ड हमारा ले रहा है फिलहाल, तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। इस प्रकार से अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे आपका लास्ट नेम लिख देंगे, जो कि है इस प्रकार से। आपका मिडिल नाम है तो मिडिल नाम भी लिख दीजिए। आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे, तो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों जनवरी, जनवरी के बाद 1 जनवरी, उसके बाद यहाँ पे 1997 हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है। तो इस प्रकार से मैच हो जाएगा। यहाँ पे कर देंगे मेल पे क्लिक, जो कि हम मेल हैं। यहाँ पे कर देंगे इंडिया, यहाँ पे टाइप करना आपको इंडिया, और रीजन चुनना है कौन सा रीजन, तो आप कोई सा भी एक रीजन चुन लीजिए। इस प्रकार से मैंने इसको चुन लिया, और यहाँ पे हमें अपना रीजन के सवाल के जवाब दिखना है, तो कोई सा भी जैसे लिख दीजिए, कृष्णा लिख दिया मैंने। और ये दोनों ऑप्शन आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सीधा नेक्स्ट करते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, ये पेज खुलने के बाद यहाँ पे अपना एड्रेस भरना होता है, जो कि अपना एड्रेस जहाँ भी रहते हो, जिस गली मोहल्ला में, वो एड्रेस यहाँ पे आप लोग फिल कर दीजिए।
जो यहाँ पे मैं रहता हूँ, तो वही मैं अपना एड्रेस फिल करूँगा। DLF फेस 3, यह है दोस्तों मेरा एड्रेस। तो यहाँ पे ये यहाँ पे हरियाणा आएगा, हरियाणा एरिया है दोस्तों नाथूपुर। नाथूपुर है ये, इंडिया आएगा इसमें, और पिन कोड यहाँ का लिख देंगे हम जहाँ जिस एरिया में रहते हैं। सॉरी पिन कोड गलत हो गया था, इस प्रकार से यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा, हरियाणा का है गुड़गांव, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और इसका नाथूपुर का इस प्रकार से कौन सा वो है, तो नाथूपुर पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है, तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिर से देना है, जो कि हमने शुरुआत में दिया था वही मोबाइल नंबर आप लोगों को याद रखना है, और अपना ही मोबाइल नंबर देना है 28 44। इस प्रकार से करने के बाद ये सारे चीज़ फिल करने के बाद सही सही आपको एक बार ध्यान से देख लेना है, उसके बाद रजिस्टर में क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से रजिस्टर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे वही यूज़र नेम हमें दोबारा जो हमने बनाया है यूज़र नेम वही यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे डालना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग डालेंगे अपना यूज़र नेम जो हमारा यूज़र नेम है, और नीचे पासवर्ड जो बनाया था हमने वही पासवर्ड डालेंगे। तो चलो दोस्तों हमारे फ़ोन में दूसरे फ़ोन में मैसेज आ गया है, उस फ़ोन को भी डालेंगे लेकिन मैसेज को डालेंगे लेकिन एक मिनट ज़रा हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लेते हैं। यूज़र नेम हमारा है इस प्रकार से, हमारा यूज़र नेम है यहाँ पे, और यहाँ पे है दोस्तों हमारा पासवर्ड, पासवर्ड है इस प्रकार से हमारा ये पासवर्ड। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं कैप्चर, जो कि कैप्चर है 3HAFV। इस प्रकार से आप करेंगे हम लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे OTP आएगा अपने मोबाइल नंबर पे, एक OTP आया होगा, तो OTP आपको सिलेक्ट करना है। AirCTC का OTP खोलो, OTP हम यहाँ हमारे दूसरे फ़ोन में आ गया है, तो हम OTP डाल लेंगे इस प्रकार से, OTP 11। एक OTP आया है दोस्तों, प्लस हमारा एक ईमेल आईडी पे OTP आएगा, तो वो ईमेल आईडी पे जो OTP आया होगा इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं। तो एक OTP तो हमारा आ गया है, तो रिस्टेट करके देखते हैं और एक बार दोबारा आए तो, और हमारा OTP दूसरा आ चुका है, तो ये OTP हमें डालना पड़ेगा, जो कि है हमारा OTP 7467 7467 81। इसको हमें वेरीफाई करना होता है दोस्तों, इस प्रकार से हम करेंगे वेरीफाई, इस प्रकार से ये वेरीफाई हो गया दोस्तों। अब हमें फिर से हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है, जो कि हमारा पासवर्ड था, वो पासवर्ड हम यहाँ पे फिर से डालेंगे। तो पासवर्ड हम यहाँ पे डाल लेंगे, इस डालने के बाद दोस्तों ये कैप्चर कोड भी डालेंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ पे जे बड़ा है, FH करने के बाद कर देंगे लॉगिन इस प्रकार से। ये लॉगिन करने के बाद दोस्तों ये हमारा OTP सेंड करने, OTP रख सकते हो, अगर बार बार आपका मतलब ये गुम जाता है, ये बार बार ये लॉगिन पासवर्ड नहीं डालना चाहते हो, तो इसमें आप एक तरह के OTP बना के रख सकते हो, जो कि मैं बना देता हूँ OTP इस प्रकार से। ये OTP बन गया दोस्तों, हम कर देंगे इसको सबमिट इस प्रकार से, तो ये बार बार हमारे OTP से ही खुलेगा। तो ये हो दोस्तों, ये आप ट्रेन आप बुकिंग करने के लिए रेडी हो, जो
प्लान माय जर्नी पे जाएंगे, तो इस प्रकार से ट्रेन टिकट बुक आप लोग कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग सीख गए होंगे कि किस प्रकार से रेल का अकाउंट बनाया जाता है, IRCTC का अकाउंट। तो अगर कोई चीज़ में दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, इस चीज़ का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।